राजस्थान की महुआ विधानसभा सीट काफी चर्चाओं में है। यूं तो यह सीट लंबे अरसे से सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां मीणा समाज का दबदबा रहा है। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और सांसद किरोड़ीलाल मीणा के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई ने इस सीट को और भी ज्यादा हॉट बना दिया है। हालांकि इस बार के चुनाव में सामान्य वर्ग के कुछ युवा चेहरे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष जलानी, विधानसभा क्षेत्र महुआ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरा मूलतः गांव मंडावर है, जो विधानसभा क्षेत्र का शहर है। महुआ विधानसभा जनरल की सीट है और मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर करुणलाल जी के आवास दिल्ली पर मुलाकात करके की। विधानसभा क्षेत्र में तन मन धन से क्षेत्रवासियों के बीच में क्षेत्रवासियों की मैंने सेवा की और मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी का मैं एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं। इस सीट के सियासी इतिहास को देखें तो 2013 के चुनावों में महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए किरोड़ी की पत्नी और पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी को चुनाव हराया था। गोलमा NPEP से चुनाव लड़ी थी। वहीं दूसरी बार बीजेपी ने यहां से डॉक्टर किरोड़ी के भतीजे राजेंद्र मीणा को टिकट दे दिया था, लेकिन निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा फिर से चुनाव जीत गए। इस बार हुड्डा कांग्रेस से टिकट लेकर आए हैं और जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। हालांकि जीत इस बार इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। दो बार की हार का बदला चुकता करने के लिए सांसद किरोड़ी ऐलान कर चुके हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी झालानी को समर्थन दे सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी महुआ सीट का फैसला डॉक्टर किरोड़ी के परामर्श से ही करेगी और झालानी भी काफी समय से डॉक्टर किरोड़ी के संपर्क में रहे हैं। मैंने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्रवासी से मिलकर क्षेत्र के बारे में जाना है, क्षेत्र की जनता के बारे में जाना है और विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, एक युवा उम्मीदवार चाहती है, जनरल के व्यक्ति को चाहती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी मुझे विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की सेवा करने के लिए मुझे मौका देगी और पार्टी यदि मुझे मौका देती है तो हम लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। कांग्रेस ने इस सीट पर ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट दे दिया है। अब हुड्डा के सामने बीजेपी किसी उपयुक्त चेहरे की तलाश में है जो युवा होने के साथ ही धारदार छवि वाला हो। अगर डॉक्टर किरोड़ी का समर्थन मिला तो झालानी यहां से बीजेपी की दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं।